गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने रेडिएशन पढ़ लिया, रेडिएशन का रिवीजन कर लिया। आज हम लोग इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व होने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि हम लोग उस टॉपिक के फार्मूले पूरे क्लियर होने चाहिए। तो हीट ट्रांसफर ऑफ हीट के न्यूमेरिकल के लिए फार्मूले क्लियर कर दिए थे, आज हम लोग रेडिएशन के फार्मूले लिखने जा रहे हैं। तो पहला फार्मूला था, इसने बताया था स्टीफंस ने, सिग्मा ई ए टू द पावर 4। ई था रेडिएट एनर्जी, रेट ऑफ रेडिएट एनर्जी या रेडिएट एनर्जी पर सेकंड। सिग्मा इसका स्टीफन कांस्टेंट, ई था इनिशियल पावर, ए था एरिया, टी था एब्सोल्यूट टेंपरेचर। तो ई था विकिरण ऊर्जा, सिग्मा था स्टीफन नेतांक, ई था उत्सर्जन क्षमता, ए था क्षेत्रफल, टी था परतता। अब अगर एक ही सरफेस के लिए ये सारी चीजें कॉमन हो गई, अगर हम दो टेम्परेचर पे बात करें तो E1 अपॉन E2 आ जाएगा, T1 अपॉन T2 की पावर 4। या इसको लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 इक्वल अंडर रूट E1 अपॉन T2। अंडर रूट हटा के तो पावर होल पावर जगह का निकल जाएगा। तो अगर हमें कहीं पे E1 कैलकुलेट करना है, E2 कैलकुलेट करना है, तो ये फार्मूला टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। इसके बाद नेट लॉस ऑफ हीट पढ़ा था, नेट लॉस ऑफ हीट यह था सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। क्लियर? इसके बाद क्या पढ़ा था? न्यूटन के लॉ ऑफ हीट पढ़ी थी कि लॉस ऑफ हीट इसके इक्वल था इस प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। तो मोस्टली आपको जो न्यूमेरिकल मिलेंगे वो इन दो फार्मूलों पे मिलेंगे। तो आप लोग ये फार्मूले नोट कर लीजिए और अपने बुकों से इस पे बेस्ड एग्जांपल सॉल्व करिए। फिर भी अगर उसमें कोई दिक्कत हो रही तो एग्जांपल मैं सॉल्व कराऊंगा। नेक्स्ट उसमें आपको इसी फार्मूले पे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करके अवेलेबल कराऊंगा। लेकिन उसके पहले आप ये पूरा लेसन रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद कोई डाउट आएगा हमसे कंसल्ट कर लेंगे। और वीडियो पूरा देखें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।